तो गाइस चलो आज का स्टार्ट करने से पहले अपन पहले कल का रिवाइज करते हैं। कल क्या पढ़े थे? कल अपन ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या पढ़ा था? बेसिक ये पढ़ा था सर, कोई भी पर्सन को अगर क्रेडिट लेना है, सेक्शन 16 के हिसाब से पढ़े थे कि सर 16 के हिसाब से ये बोले थे कोई भी पर्सन को क्रेडिट लेना है तो उसका रजिस्टर होना जरूरी है, पहली चीज ये पढ़े थे। उसके बाद अपन ने ये बोला था सर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए चार कंडीशन है। सबसे पहला आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सर गुड्स या सर्विसेज रिसिप्ट हो जानी चाहिए। तीसरा हमने ये पढ़ा था सर गवर्नमेंट को पेमेंट कर देना है, और चौथा रिटर्न फर्निश कर देना है। अगर ये चार बातें सेटिस्फाई होती है तभी आप क्रेडिट ले सकते हो, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। ये पढ़े थे अपन। इसके बाद अपन एक चीज और पढ़े थे सर, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या थी क्रेडिट अवेल करने की? अपन ने कल टाइम लिमिट पढ़ी थी, याद करो सर। 10th सर ध्यान दो, अपन कल टाइम लिमिट पढ़े थे सर 20th अक्टूबर या फिर 31st दिसंबर, जो एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट है सर। या तो आप एनुअल रिटर्न पहले भी फाइल कर सकते हो, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। ये अपन ने टाइम लिमिट पढ़ी थी सर, इस टाइम पीरियड तक आप क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। कल यहां तक पढ़े थे, आज इसके आगे अपन को पढ़ना है। अपन कल जो ये टाइम लिमिट पढ़े थे, ड्यू डेट जो थी ना अपन पढ़े थे सर, ये थी 20th अक्टूबर, और सर ये एनुअल रिटर्न की डेट थी सर 31st दिसंबर। इससे पहले आपको आईटीसी ले लेना है, आईटीसी ले लेना है, विच एवर इज अर्लियर है आईटीसी ले लेना है। कल इससे रिलेटेड अपन पूरा पढ़े थे। इसी में एक पॉइंट और है, ये देखो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है? इट मस्ट बी फर्दर नोटेड दैट द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) डज नॉट अप्लाई टू क्लेम रीअवेलिंग ऑफ क्रेडिट। सर रीअवेलिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ध्यान से सुनना। आज ये रीअवेलिंग ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड अपन लॉ पढ़ने वाले कि सर मान लो कोई अपन ने क्रेडिट ली थी, बाद में उसको कैंसिल किया गया, और उसी क्रेडिट को जब अपन वापस लेते हैं तो दैट इज नोन एज रीअवेलिंग ऑफ क्रेडिट। आज इसी से रिलेटेड लॉ पढ़ेंगे तो ये एक्सेप्शन भी वहां पर अपन समझ लेंगे, ठीक है, ध्यान देते रहना। इलस्ट्रेशन 3 कल अपन कर लिए थे, ठीक। इसके बाद देखो सर क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लॉ है सर। देखो बहुत अच्छा लॉ है। द प्रोविजन ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी, मतलब आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिए इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। सर सरकार ने ये बोला हम आपकी रिवर्स करवा देंगे आईटीसी अगर सर आपने पेमेंट नहीं किया। नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, सर कंसिडरेशन कौन देता है? रिसिपियंट देता है। किसको देता है? सप्लायर को देता है। तो सर अगर रिसिपियंट ने सप्लायर को कंसिडरेशन नहीं पे किया है तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है गवर्नमेंट बोलती है उसको रिवर्स करवा देंगे। अब भाई अपन देखते हैं सर कैसे रिवर्स कराएगी। देखो सर, पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। जिस दिन इनवॉइस इशू किया गया है उससे 180 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं किया है किसने? रिसिपियंट ने। किसको? सप्लायर को। तो उस केस में सर जो आपने आईटीसी लिया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, उस क्रेडिट को गवर्नमेंट क्या करा रही है? रिवर्स करवा रही है। अब सर ये रिवर्स करवाने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? आपकी इस क्रेडिट को आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एड करवा देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी इसको? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करवा देगी, और ऐड करके आपसे जीएसटी की क्रेडिट ले लेगी। सिंपल। मैंने ये बोला सप्लायर रिसिपिएंट को माल बेचता है, सर रिसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करता है। अब रिसिपिएंट अगर सप्लायर को पेमेंट नहीं कर रहा तो उस केस में गवर्नमेंट ने सिंपल ये बोला भैया अगर आप 180 डेज तक तो हम वेट करेंगे, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो ठीक, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो सर जो रिसिपिएंट को क्रेडिट मिली है ना, इस रिसिपिएंट की क्रेडिट को हम क्या करेंगे? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करवा लेंगे, और ऐड करवा के रिवर्स करके आपसे ले लेंगे क्रेडिट। सिंपल, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेंगे नहीं बोले, अलोंग विद इंटरेस्ट भी बोले हैं। ये बोल रहे सर हम क्रेडिट लेंगे लेंगे बट साथ में क्या ले जाएंगे? आपसे इंटरेस्ट भी ले जाएंगे। अब मैंने बोला सर इंटरेस्ट कब से लोगे? भाई रिसिपिएंट ने पूछा आप मेरी इस क्रेडिट पे इंटरेस्ट लेने वाले हो तो सर कब से इंटरेस्ट लोगे? गवर्नमेंट ने बोला इंटरेस्ट हम तब से लेंगे सर जब से आपने इसकी क्रेडिट ले ली है, तब से लेके जब तक हम इसे आपसे पेमेंट करवाते हैं एज एन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, तब तक हम क्या करेंगे सर इसमें जी आपसे इंटरेस्ट ले लेंगे। देखो सर इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहां पर दी हुई है, 18% लेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ क्रेडिट। जब से आपने क्रेडिट लिया तब से लेके जब तक हम इसको आउटपुट टैक्स में आपसे ऐड करवा के आपसे ये अमाउंट वापस ले ले, तब तक हम आपसे 18% इंटरेस्ट लेते जाएंगे। समझ आया? वेरी सिंपल सर, ये बहुत अच्छी चीज की गई है। ये इसलिए अच्छी चीज है क्योंकि सर अगर मान लो कोई रिसिपिएंट है और अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो बेचारा सप्लायर अपने जेब से क्यों देगा जीएसटी के अमाउंट? आप समझो ना सर,
आप सप्लायर अपने जेब से कहां से पैसा देगा जीएसटी का, तो बट ऑब्वियस ही बात है रिसिपिएंट से वसूलेगा, और रिसिपिएंट अगर पैसा दे नहीं रहा है तो सप्लायर के ऊपर दिक्कत है, सप्लायर वैसे ही बेचारा परेशान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया अगर सप्लायर को तुम पैसा नहीं दे रहे हो ना तो सप्लायर क्या होगा, फिर तुम्हारी क्रेडिट भी गई, तुम्हारी क्रेडिट जाएगी ना तो तुम ऑटोमेटिक क्या होगा पेमेंट टाइम पे करोगे, नहीं तो तुम सप्लायर को पेमेंट नहीं करोगे। तुम्हारी अगर नीयत खराब हो, तुम्हारी नीयत सही नहीं हो तो तुम पेमेंट नहीं करोगे सप्लायर को, पैसा लेके चले जाओगे। इससे तुमको दो फायदे हो जाएंगे, एक तो तुम क्रेडिट भी ले लोगे और दूसरा क्या होगा सामने वाले का पैसा भी खा गए, गुड्स भी रख लिए। तो ये केस में इसीलिए सर ऐसा ना हो मार्केट में, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये किया कि भैया 180 डेज हम वेट करेंगे, तुम 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दो सप्लायर को, अदरवाइज तुम्हारी क्रेडिट गई, तुम्हारी क्रेडिट तो गई और क्रेडिट के साथ साथ हम तुमसे इंटरेस्ट भी लेके चले जाएंगे, ध्यान रखना ठीक है। देखो सर उसके बाद दिया हुआ है रीक्रेडिट व्हेन पेमेंट इज मेड सब्सिक्वेंटली, इसका मतलब क्या होता है वेरी सिंपल। मान लो अगर सर रिसिपिएंट बोलता है यार कोई रीजन था जिसके कारण मैं 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं कर पाया, अब मान लो सर मैं 180 डेज के अंदर नहीं कर पाया बट मैं अगर 210 डेज हुए और 210th डे को मैंने पेमेंट कर दिया तो क्या आप मुझे क्रेडिट वापस दे दोगे? सरकार बोलती है हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हम तुम्हें वापस क्रेडिट दे देंगे अगर तुम हमें 210th डे को पेमेंट कर दोगे तो पहले ही आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हुआ था, ये वापस इस चीज की आपको क्रेडिट मिल जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्रेडिट मिल जाएगी। अच्छा मैंने पूछा क्या इंटरेस्ट भी वापस करोगे, सरकार बोली पागल है क्या इंटरेस्ट वापस नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्रेडिट तुम्हें वापस दे देंगे। समझ आया सर, ये जरूरी था नहीं तो रिसिपिएंट ऐश करते और ये सप्लायर को पेमेंट नहीं करते और बेचारे सप्लायर की ऐसी तैसी हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने सप्लायर की हेल्प करी है कि सामने वाले, और सर एक बात समझो कोई भी आदमी किसी को क्रेडिट देता है तो 2-3 महीने की देता है, उससे ज्यादा टाइम पीरियड की क्रेडिट नहीं देता। तो गवर्नमेंट ने तो 6 महीने का टाइम दिया ना, 180 डेज, ऑलमोस्ट 6 मंथ का टाइम दिया कि लो भाई 6 मंथ का टाइम दे रहे बहुत है, इतने टाइम पीरियड में अगर रिसिपिएंट पैसा नहीं दे रहा तो शायद उसकी नियत पे खोट होगा शायद, और अगर नहीं है बाद में अगर उस बंदे ने पैसा दे दिया है तो सरकार बोलती है हम वापस क्रेडिट दे देंगे, हमें क्या दिक्कत है। समझ आया? उसके बाद देखो सर इसके एक्सेप्शन मतलब सर जहां पर अगर 180 डेज में पेमेंट ना भी करे रिसिपिएंट तो भी क्रेडिट मिल जाएगी। एक्सेप्शन क्या है सर, जहां पर 180 डेज के अंदर अगर पेमेंट ना भी करे तो भी क्रेडिट मिल जाएगी, जिसका पहला केस क्या दिया हुआ देखो सर, व्हेन सप्लाइज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, कॉमन सेंस की बात है सर, यहां पर टैक्स कैसे पे होना है रिवर्स चार्ज में, तो रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी किसकी होती है सर रिसिपिएंट की होती है। तो गवर्नमेंट खुद बोल रही है जहां पर लाइबिलिटी किसकी है रिसिपिएंट की है, अगर लाइबिलिटी ही रिसिपिएंट की है तो वहां 180 डेज की बात ही क्यों आएगी। 180 डेज की बात तो तब आती जब सप्लायर रिसिपिएंट से टैक्स लेता और जाके गवर्नमेंट को देता, यहां पर तो भैया जीएसटी की लाइबिलिटी किसकी है रिसिपिएंट की, तो गवर्नमेंट बोलती है इस केस में 180 डेज की कंडीशन नहीं है क्योंकि हमें वसूलना किससे है रिसिपिएंट से ही वसूलना है, ठीक है। दूसरा देखो सर, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, अब भाई अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जहां पर सर कंसिडरेशन ही इन्वॉल्व नहीं है, सरकार बोलती है अगर जिस केस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं है तो फिर वहां पर जीएसटी के पेमेंट के लिए हम 180 डेज क्यों देखें, ये तो विदाउट कंसिडरेशन है, और अगर विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल वन का ट्रांजेक्शन है तो 180 डेज की कंडीशन भी नहीं है। अगला देखो सर, तीसरा वाला बड़ा जबरदस्त है, ध्यान से सुनना। तीसरे वाले केस में ये होता है जहां पर रिसिपिएंट ने कुछ ऐसे खर्चे किए जो सप्लायर के भी आप में किए, ध्यान दो तो अगर आपको याद हो तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ रहे थे सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना पढ़ रहे थे, वहां पर अपन क्या पढ़ रहे थे अगर रिसिपिएंट ने सप्लायर के भी आप में कोई अगर एक्सपेंस कर दिए तो सर हम क्या करते थे उसको वैल्यू में ऐड कर देते थे। ये रिसिपिएंट क्यों करता था, जीएसटी के अमाउंट रिड्यूस करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोली यहां पर भी अगर रिसिपिएंट ने कोई ऐसा एक्सपेंस है जो सप्लायर के भी आप में कर दिया है तो उस केस में गवर्नमेंट ने सिंपल बोला हम 180 डेज की कंडीशन नहीं देखेंगे। देखो सर, द वैल्यू ऑफ सप्लाइज ऑन अकाउंट ऑफ अमाउंट एडेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 16(2) दैट इज एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लाइबिलिटी इन रिलेशन ऑफ सच सप्लाइज। लाइबिलिटी किसकी थी, सप्लायर की, कौन पेमेंट कर रहा है रिसिपियंट, या कौन बियर कर रहा है रिसिपियंट। तो सर सरकार ने बोला बींग इंकर्ड बाय द रिसिपियंट ऑफ द सप्लायर, तो इस केस में भी हम 180 डेज की कंडीशन नहीं देखेंगे, इस केस में अगर 200 भी हुआ तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको क्रेडिट दे देंगे। समझ आया? तो सर हमें एग्जाम के लिए क्या याद रखना, 3 एक्सेप्शन है जहां 180 डेज की कंडीशन अप्लाई नहीं होती सर, एक तो रिवर्स चार्ज, एक विदाउट कंसिडरेशन, और तीसरा सर ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो रिसिपियंट बियर कर रहा है किसके भी आप में, सप्लायर के भी आप में, तो उस केस में 180 डेज की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब देखो सर, इसके इससे रिलेटेड कुछ नीचे रूल्स दिए हुए। देखो ये रूल्स ना जनरली सीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सीएस वालों में रूल्स से रिलेटेड जो फॉर्म्स दिए रहते हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं। सीए वालों के लिए रूल्स कम इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एज सच एक बार सब देख लो सर। ये जो रूल्स की बात है, ठीक है, ये फॉर्म जीएसटी 2 दिया हुआ है सर, ये इसी से रिलेटेड देखो एक स्टार करके एक पॉइंट करके बना हुआ है। इसका मतलब सर ये फॉर्म जीएसटी 3 भी है, 2 तो ऑप्शनल है सर, ये ऑपरेटिंग है ही नहीं, मतलब जीएसटी आर 2 तो चल ही नहीं रहा है मार्केट में, तो सर जीएसटी आर 2 के बदले जीएसटी आर 3 भी है, ठीक है। वो बात वही दी हुई है जो ऊपर हमने बोला, बट उसी का प्रोसीजर दिया हुआ है कि 180 डेज में आपकी सर क्रेडिट को क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे, फिर अगर आपने पे कर दिया हो तो हम आपको वापस क्रेडिट दे देंगे, नहीं पे किया हो तो सर जब आप पे करने जाओगे तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे 18%। 18% कब से लेंगे सर, जब से आपने क्रेडिट अवेल किए तब से लेके जब तक हम उसे आउटपुट टैक्स में ऐड करवा रहे हैं। वही चीजें दी हुई है जो अपन ऊपर सेक्शन में पढ़ के आए, रूल में कोई अलग बात नहीं दी हुई है, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखेंगे और अच्छी क्लियरिटी होगी। देखो अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ अ टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड गुड्स वैल्यू 2,24,000, ठीक है, इंक्लूडिंग सीजीएसटी 12,000 एसजीएसटी 12,000 टू मोहन लिमिटेड ड्यूरिंग द फॉरवर्ड चार्ट ऑन 15/8/2020 फॉर विच इनवॉइस वॉज इशूड ऑन द सेम डेट। सर इनवॉइस उसी दिन इशू हो गया, द इनपुट वेयर रिसीव्ड ऑन 15/8/2020, इनपुट भी उसी दिन रिसीव हो गया। मोहन लिमिटेड अवेल क्रेडिट ऑफ 24,000 ऑन 18/8/2020, उसने क्रेडिट कब ले ली, 18/8/2020 को 24,000 की क्रेडिट ले ली, बट मोहन डिड नॉट मेक एनी पेमेंट टुवर्ड सच सप्लायर। ओ माय गॉड, इसने तो कोई पेमेंट ही नहीं की, अलोंग विद टैक्स देयर ऑन टू द सप्लायर, टैक्स भी पे नहीं किया। इज मोहन एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच सप्लायर? सर ये शुरू में क्रेडिट ले सकता है, 180 डेज तक तो क्रेडिट ले सकता है, बट अगर ये 180 डेज तक भी पेमेंट नहीं करता है तो फिर इसकी जो क्रेडिट है वो रिवर्स हो जाएगी और वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एड हो जाएगी। यही तो बोल रहे हैं, वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच नॉन पेमेंट? अब अगर आप नॉन पेमेंट रहेगा तो उस केस में जब भी आप पे करोगे, गवर्नमेंट बोलती है उसमें हम 18% इंटरेस्ट लगा देंगे सर, और इंटरेस्ट के साथ हम जीएसटी के अमाउंट आपसे लेके जाएंगे। डिस्कस इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजन इफ मोहन लिमिटेड मेक्स द पेमेंट ऑफ 2,24,000 टू द सप्लायर ऑन 18/3/2021। सर अगर इसने बाद में पेमेंट कर दिया है तो सर पहले तो आपको क्या देखना पड़ेगा, सर जिस दिन से इनवॉइस इशू हुआ है, ठीक है, इनवॉइस इशू है उससे आप 180 डेज देख लो। सर तो इनवॉइस इशू कब हुआ है, 15/8/2020, वहां से 180 डेज देख लो। 180 डेज के बाद क्या ये डेट आएगी? यस सर, 180 डेज के बाद ये डेट आएगी, आप कैलकुलेट करना, ये ऑलमोस्ट फेब 11th फेब के आसपास जाएगी सर, 11th या 12th फेब के आसपास। तो सर क्या 180 डेज से ज्यादा हो गया और इसने बाद में पेमेंट किया? यस सर बाद में पेमेंट किया। तो सर क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा? यस सर इंटरेस्ट भी लगेगा। अच्छा इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगेगा सर? 24,000, ठीक है ना, जीएसटी की तो अमाउंट इतना ही है ना सर, जीएसटी की अमाउंट इतना है, इस पे इंटरेस्ट भी लग जाएगा इसका, 18% इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द डेट जिस दिन से इसने क्रेडिट ली तब से लेके तब तक जब तक इसने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में हम इसके ऐड करा दिए थे। आ रहा है समझ? जैसे हम इसके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कराएंगे तब तक का पूरा 18% इसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो सर यही दिया हुआ है, इसे 24,000 जो क्रेडिट लिए उसमें इंटरेस्ट देना है। वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन था, ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ आए तो पूछना, ठीक। उसके बाद देखो सर, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट, अब ये क्या होता है सर? ये जीएसटी की जान है, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर की जान है, ये भयानक इंपॉर्टेंट है। अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और सर अगर आपने इसको ध्यान से नहीं सुना तो बहुत मिस्टेक हो जाएगी इसमें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सेक्शन ब्लड में याद होना चाहिए सर, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस सेक्शन को भूल ही नहीं सकते। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ये क्या बोलता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी क्रेडिट हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। देखो सर आइटम्स इन एलिजिबल फॉर क्रेडिट क्या क्या है, देखो सर, आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल, देखो लिखा हुआ है, आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग नेमली। देखो सर सबसे पहला दिया हुआ है आपको मोटर व्हीकल, ध्यान दो, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस। सर अगर मोटर व्हीकल है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है तो क्या क्रेडिट मिलेगी? नहीं मिलेगी, ब्लॉक क्रेडिट है। आगे पढ़ते हैं सर,
मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13%, नॉट मोर देन 13%। सर तो अगर 13 से ज्यादा हुए इंक्लूडिंग द ड्राइवर, ठीक है ध्यान रखना ड्राइवर को मत भूल जाना, इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो सर अगर 13 से ज्यादा हुए तो क्या क्रेडिट मिल जाएगी? बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्रेडिट मिल जाएगी। 13 से कम हुए तो नहीं मिलेगी क्रेडिट, नहीं मिलेगी क्रेडिट, वही तो लिखा हुआ है अप्रूव सिटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13, नॉट मोर देन 13। सर 13 रहा तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना सर, देखो 12 में क्रेडिट नहीं मिलने वाली मोटर व्हीकल की, 13 और 14 दो बातें हैं, 14 रहा तो क्रेडिट आराम से मिल जाएगी इंक्लूडिंग द ड्राइवर। सर बट अगर 13 रहा तो क्या होगा? यही तो मेन है सर कि अगर 13 सिटिंग कैपेसिटी में रहा तो क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सर अगर 13 भी रहा तो क्रेडिट नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन जहां पर 13 या उससे कम होगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा हुआ तो मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर में ये क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, हाउएवर में ये बोल रहे हैं कि सर अगर ये तीन पर्पस के लिए मोटर व्हीकल रही तो सरकार बोलती है हम आपको क्रेडिट दे देंगे। सबसे पहला देखो क्या दिया हुआ है, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। सर इसका कोई एग्जांपल, वेरी सिंपल, अगर मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को मोटर व्हीकल दिया है ताकि डिस्ट्रीब्यूटर आगे मोटर व्हीकल क्या बोलते सेल कर सके, आगे ट्रांसफर, आगे सप्लाई कर सके, तो क्या इस पे क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर इस पे क्रेडिट मिल जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा दिया हुआ सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। सर अगर मोटर व्हीकल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है तो सर क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर पैसेंजर्स के केसेस में मिल जाएगी। अगर नहीं बोल देते तो ओला उबर वाले अगर इन लोग गाड़ी खरीदते तो इनको क्रेडिट नहीं मिलती, सरकार ने बोला मिल जाएगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए है भले ही 13 से कम है तो क्या क्रेडिट मिल जाएगी मोटर व्हीकल के केस में? यस सर मिल जाएगी। पर याद रखना अगर वर्धमान सर खुद गाड़ी खरीद रहे हैं तो नहीं मिलेगी क्रेडिट, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थोड़ी करूंगा, वो तो मेरी पर्सनल गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी है तो कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाली, ध्यान रखना। अगला, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल। अब ये क्या है? वेरी सिंपल सर, अगर मारुति वाले अगर आपको ट्रेनिंग गाड़ी ड्राइविंग सिखा रहे हैं सर, तो सरकार बोलती है अगर मारुति वाले आपको ड्राइविंग सिखा रहे तो इस केस में इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, क्या मारुति वाले अगर वो गाड़ी परचेस कर रहे हैं और उस पर क्रेडिट ले रहे हैं तो, और क्या बोलते हैं आपको उस गाड़ी से गाड़ी चलाना सिखा रहे, तो क्या उनको क्रेडिट मिल जाएगी? यस मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, उस मोटर व्हीकल में उन्हें क्रेडिट मिल जाएगी क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे ड्राइविंग से रिलेटेड। समझ आया? वेरी सिंपल हम ये पढ़ रहे सर, इन तीन केसेस में अगर आपकी मोटर व्हीकल की कैपेसिटी 13 से भी कम है तो भी क्रेडिट मिल जाएगी। समझ आया? अच्छा स्टूडेंट के मन में डाउट आता है सर ये मोटर व्हीकल क्या है, लो भाई सरकार ने बोला मोटर व्हीकल भी हम बता देते। मोटर व्हीकल मतलब एक्सक्लूड, ये तीन चीजें मोटर व्हीकल में नहीं आएगी, सरकार सामने से बता रही है। सबसे पहला देखो सर, इसी चीज को ब्रैकेट में नीचे शॉर्ट में अच्छे से बताया, देखो सर ट्रेन नहीं आएगी, पहले ही बता दी सरकार ने ट्रेन नहीं आएगी, नहीं तो स्टूडेंट बड़े खतरनाक है, स्टूडेंट ना मोटर व्हीकल में ट्रेन को भी गिन लेते, ट्रेन बाहर कर दिया। 2-3 व्हीलर्स वो भी नहीं आएगी सर, आपकी साइकिल रिक्शा ऑटो ये सब नहीं आएंगे। विद एन इंजन कैपेसिटी अप टू 25 cc बाइसाइकिल, ये देखो सरकार ने बोला डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है ये सब सरकार ने सामने से बता दिया। सरकार ना डरती है लोगों से और स्टूडेंट से तो सबसे ज्यादा कि भैया मोटर व्हीकल में स्टूडेंट किसी को भी डाल सकता है, इसलिए सरकार ने सामने से पहले से ही बता दिया भैया ये सब बाहर है, ये सब बाहर है, ये सब बाहर है मोटर व्हीकल की डेफिनेशन से, ठीक है। तो सर मोटर व्हीकल का समझ आया अपन को क्या करना है? वेरी सिंपल, हम मोटर व्हीकल के केस में क्या देखेंगे, पहले देखो सिटिंग कैपेसिटी कितनी है इंक्लूडिंग ड्राइवर, 13 से ऊपर है मिल जाएगी क्रेडिट, 13 से नीचे है क्रेडिट नहीं मिलेगी। पर सर अगर 13 से नीचे है और अगर ये तीन पर्पस के लिए तो क्रेडिट मिल जाएगी। समझ आया? वेरी सिंपल। उसके बाद देखो दूसरा दिया हुआ है वेसल एंड एयरक्राफ्ट। वाओ सर याद रखना वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में क्रेडिट नहीं मिलेगी, सीधा नहीं मिलेगी,
फिर सरकार ने बोला भैया वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में हम क्रेडिट दे देंगे अगर वो ये दो पर्पस के लिए हो। पहला पर्पस है सर फर्दर सप्लाइंग ऑफ सच वेसल और एयरक्राफ्ट, याद करो अब भी ऊपर बताया मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, तो सर फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट है तो सरकार क्रेडिट दे देगी, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है बिल्कुल दे देंगे, फ्लाइट में आप जाओ फ्लाइट में आप जा रहे हो तो सर एयरपोर्ट में आप एयरक्राफ्ट की सर्विसेज ले रहे हो क्या जीएसटी की क्रेडिट मिल जाएगी? यस मिल जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल्स या फिर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच वेसल और एयरक्राफ्ट, सिंपल सी बात है सर अगर आपको वेसल में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है कि कैसे चलाना है कैसे ऑपरेट करना है तो क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर, सरकार ने बोला क्रेडिट मिल जाएगी। अगर मेरा पर्सनल चार्टर्ड प्लेन है तो क्या क्रेडिट मिलेगी? नो सर, नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थोड़ी क्या है, वो तो सिर्फ मैं अपने लिए पर्सनल चार्टर्ड प्लेन है और कोई थोड़ी चढ़ेगा, तो उस केस में क्रेडिट नहीं मिलेगी, ध्यान रखना आराम से। सर अगर वेसल और एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो क्या वेसल और एयरक्राफ्ट में क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर, क्रेडिट मिल जाएगी, मिल जाएगी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर गुड्स से रिलेटेड है तो क्रेडिट मिल जाएगी, गुड से रिलेटेड है तो क्रेडिट मिल जाएगी, आराम से याद रखना। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता था, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता था कि सर अगर ये मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अगर पर्सन के बदले पैसेंजर के बदले अगर गुड्स होता तो क्या पूरी क्रेडिट मिल जाती? हाँ, ब्लॉक क्रेडिट में तो उन्होंने पर्सन को ब्लॉक किया था ना, गुड्स को कहां ब्लॉक किया था? सर गुड्स के केस में तो क्रेडिट मिल जाएगी, समझ आ रहा है? आराम से अगला देखो सर, इंश्योरेंस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल एंड वेसल एयरक्राफ्ट। देखो सर इसको बड़े ध्यान से सुनना नहीं तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। सर अगर आपने इंश्योरेंस रिपेयर या मेंटेनेंस किन चीजों का कराया सर? या तो मोटर व्हीकल का कराया या तो वेसल एंड एयरक्राफ्ट का कराया, तो उस केस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, सरकार सामने से बता रही नहीं देंगे, पर हम आपको क्रेडिट एक शर्त में दे देंगे, मेंटेनेंस रिपेयर और इंश्योरेंस चार्जेस के क्रेडिट दे देंगे सर, अगर आपने ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अगर करवाया है तो सर हम आपको क्रेडिट दे देंगे। वेरी सिंपल, मैं बोल रहा हूँ सर अगर मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड आपने इंश्योरेंस रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह कराया तो क्रेडिट नहीं दे रही है सरकार, सरकार बोलती है पर अगर आपने ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए करवाया है रिपेयर इंश्योरेंस या मेंटेनेंस चार्जेस पे किए तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे, समझ आया? वेरी सिंपल सर, जिसको नहीं आया अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप एग्जाम्पल देख सकते हो सर, ये एग्जाम्पल आप रीड करोगे तो आपको और अच्छी क्लैरिटी हो रहेगी, अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल है देखो सर, ITC ऑन कार परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉय। भैया कार आप पर्सनल पर्पज पे लेके जा रहे हो ऑफिशियल, ठीक है चलो ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉय, क्या ये मिलेगा? नहीं सर, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं है और 13 से कम है, वैसे क्रेडिट नहीं मिलना है। ITC on car purchased by a car dealer for sale to its customer. Sir, car dealer है वो car पीछे manufacturer से purchase किया होगा for further supply of car. क्या credit मिल जाएगी motor vehicle? Yes sir, मिल जाएगी, हम पढ़ के आए, वो तीन में से एक में fall करता है। देखो सर, ITC on car purchased by a company engaged in renting out cars for transportation of passengers. Sir, transportation of passenger है, क्या credit मिल जाएगी? Yes sir, मिल जाएगी। अगला देखो सर, ITC ऑन कार परचेज बाय कार ड्राइविंग स्कूल, मैंने आपको बताया सर मारुति वाले ड्राइविंग स्कूल खोल के रखे, क्या उनको क्रेडिट मिल जाएगी? यस मिल जाएगी। ITC ऑन अ बसेस सिटिंग कैपेसिटी 24%, क्या मिल जाएगी क्रेडिट? मिल जाएगी सर, सिंपल है। फिर ये एयरक्राफ्ट वगैरह में आपको सर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस है तो क्रेडिट नहीं मिलेगी, चार्टर्ड प्लेन है तो क्रेडिट नहीं मिलेगी, बट सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है तो सर बिल्कुल क्रेडिट मिल जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो क्रेडिट मिल जाएगी, ध्यान रखना इस चीज का, एकदम सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो सर, फूड एंड बेवरेजेस, वेरी सिंपल सर, फूड बेवरेजेस आउटडोर कैटरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट हेल्थ केयर सर्विस कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी या फिर लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट रिफर्ड। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ सर, ये सब पर्पस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, ये वेरी सिंपल। अब बात ये है सर कि आप ध्यान देना सर, फूड एंड बेवरेजेस आउटडोर कैटरिंग ये सब की क्रेडिट नहीं मिलेगी, वेरी सिंपल। इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना कि अगर लीजिंग रेंटिंग हायरिंग वगैरह मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट इसकी क्रेडिट नहीं मिलती,
पर अगर लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग चार्जेस आप मोटर व्हीकल या वेसल क्राफ्ट के पे कर रहे हो इन केस ऑफ स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड चीजों के लिए, सर वो स्पेसिफाइड क्या था अभी तो अपन देखे ना यार, ये था, ये देखो, ये जो स्पेसिफाइड है, अगर ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग चार्जेस अगर आपने पे किया है, तो गवर्नमेंट बोलती है भैया उस सेंस में हम आपको ये जो लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग चार्जेस जो आप पे कर रहे हो, हम आपको इसकी क्रेडिट दे देंगे। समझ आया? वेरी सिंपल। अच्छा, एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है कि सर अगर ये फूड और बेवरेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ये रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ है, स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है या रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ है, तो सर उस केस में क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर, उस केस में ये क्रेडिट मिल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है सर। ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखो, इसके बाद देखो, ये मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर या फिर ट्रेवलिंग बेनिफिट्स, आपको ये अगर ट्रिप वगैरह लेके जा रहे हो, ये सब की क्रेडिट नहीं मिलती। आप अपने एम्प्लॉयज के लिए मेंबरशिप क्लब ले रहे हो, हेल्थ, उनकी फिटनेस का ध्यान दे रहे हो, ये सब की क्रेडिट नहीं मिलेगी। पर ये सब की क्रेडिट तब मिल जाएगी जब वो रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ है। अगर वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में है, लिखा हुआ है कि सर ये क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड है, अंडर लॉ कंपलसरी था, आपको प्रोवाइड करना ही पड़ गया, तो फिर उस केस में क्रेडिट मिल जाएगी। याद रखना, क्वेश्चन में हम ये वर्ड ढूंढेंगे सर, अगर रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ है तो आप क्रेडिट दे देना फूड और बेवरेजेस की, ठीक है, किसी भी चीज की क्रेडिट दे देना। बट अगर रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ नहीं है तो फिर उस केस में क्रेडिट मत देना, ध्यान रखना। ठीक है, देखो सर मैं आपको, ये देखो इसके भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देखो एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी, एग्जाम्पल आराम से देखो सर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेजेस फूड आइटम फॉर बीइंग सर्व टू इट्स कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट, सर क्या मिलेगी क्रेडिट? नो सर, कोई लीगल रिक्वायरमेंट थी नहीं, फूड एंड बेवरेजेस तो वैसे ही ब्लॉक्ड है। एक्स वाई कंपनी अ कैटरर ऑफ जोधपुर हैज अवार्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैटरिंग इन अ मैरिज टू बी हेल्ड एट द जयपुर, द फर्म वाज आल्सो फर्म हैज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ स्नैक्स टू बी सर्व्ड इन द मैरिज टू पी क्यू एंड सन्स अ लोकल कैटरर ऑफ जयपुर। सर एक कैटरर दूसरे कैटरर को सर्विसेज दे रहा है, ध्यान दो सर, एक कैटरर दूसरे कैटरर को सर्विसेज दे रहा है और जो दूसरा वाला है वो उसी कैटरिंग की सर्विसेज फर्दर सप्लाई करने वाला है। तो हमने पढ़ के आया था सर, फर्दर सप्लाई ऑफ सर्विसेज रहेगी, तो उस केस में क्या फर्दर सप्लाई में हमें क्रेडिट मिल जाती है? यस सर, फर्दर सप्लाई का काम कोई अगर कर रहा है, सेम काम कर रहा है, तो क्रेडिट मिल जाएगी सर। देखो ध्यान दो, ये दिया हुआ है सर, हाउएवर द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर द इनवर्ड सप्लाई ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ आर यूज इन द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर मैंने आपको पहले ही बताया, अभी तो बताया आपको सर, अगर कैटरर एक कैटरर वाला दूसरे कैटरर वाले को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये कैटरर वाला दूसरे को प्रोवाइड कर पाए, तो उस केस में क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर, अगर सेम काम है दोनों पर्सन का तो उस केस में क्रेडिट मिल जाएगी, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों सेम है, क्रेडिट मिल जाएगी। समझ आया? ध्यान रखना सर। ठीक है, उसके बाद देखो सर अगला एग्जाम्पल, देखो अच्छी क्लैरिटी आएगी, बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। अगला देखो, आईटीसी ऑन आउटडोर कैटरिंग अवेल्ड बाय अ फुटवेयर एक्सपोर्टर, सर फुटवेयर वाला आउटडोर कैटरिंग करवा रहा है, सर क्या यहाँ सिमिलर सर्विसेज हो गई, सिमिलर नेचर की? नहीं सर, इनपुट आउटपुट अलग है, तो क्या क्रेडिट मिलने वाली है? नो सर। अगला देखो, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज इज अवेल्ड बाय द कंपनी टू रन अ फ्री कैंटीन इन द इन दिस फैक्ट्री, द फैक्ट्री एक्ट 1948 रिक्वायर द कंपनी टू सेट अप अ कैंटीन इन द फैक्ट्री। ओ माय गॉड, सर लीगल लॉ में लिखा हुआ है कि आपको फैक्ट्री सेटअप करके कैंटीन प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर, लीगल है तो मिल जाएगी। समझ आया? ये सब एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग और खुले, ओपन हो और आप अच्छे से सोच सको, ताकि अपन नीचे जब अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लैरिटी अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद देखो सर, अब कुछ एग्जांपल्स है, आप रीड कर सकते हो सर, अगर फिर भी डाउट आए तो पूछ लेना। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, अरे वाह, वेरी सिंपल सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अगर इमोवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो क्या क्रेडिट मिलेगी? सरकार ने बोला हम तो नहीं दे रहे, अगर इमोवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट के सर्विसेज है तो क्रेडिट नहीं मिलने वाली, पर सरकार ने बोला सुनो सुनो सुनो, बात तो सुनो, क्रेडिट हम अलाउ कर देंगे ये दो केसेस में। मैं बोला कौन से दो केस? बोले इन सप्लाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीन, अगर प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड रहा तो क्रेडिट दे देंगे, प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड नहीं रहा तो क्रेडिट भी नहीं देंगे।
मैं बोला अच्छा प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड कैसे हो सकता है। गवर्नमेंट ने बोला भैया प्लांट एंड मशीन के लिए आपने फाउंडेशन बनाया ताकि आप प्लांट एंड मशीन वहां पर रख सको, प्रॉपर डेवलप मतलब सेटअप कर सको। तो वो जो आपने फाउंडेशन ले किया है ठीक है, और उस फाउंडेशन को ले करने के लिए जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ली है उसकी क्रेडिट हम आपको दे देंगे। किससे रिलेटेड थी? प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड। एक और चीज है, वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। सर इसी को क्या बोला जाता है? सब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? सब कॉन्ट्रैक्ट। अगर सब कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज है और उस केस में वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विसेज प्रोवाइड हुई है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने दूसरे पर्सन को अपना कोई काम सब कॉन्ट्रैक्ट किया, तो सर अगर सब कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है तो उस केस में क्या आपको क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर, सब कॉन्ट्रैक्टर वाली केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगी। समझ आया? इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि प्लांट एंड मशीन में क्या आता है और क्या नहीं आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप ध्यान दो मेरी तरफ, मेरे साथ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस प्लांट एंड मशीन मींस एपरेटस इक्विपमेंट मशीनरी फिक्स्ड टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड सच फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट बट एक्सक्लूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्सक्लूड। सर इन तीन चीजों की क्रेडिट नहीं मिलेगी, इन तीन चीजों से रिलेटेड क्रेडिट नहीं मिलेगी। सबसे पहला दिया हुआ है लैंड, बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर, जॉब क्रेडिट ही नहीं देंगे, जॉब क्रेडिट ही नहीं देंगे। अगला दिया हुआ है टेलीकम्युनिकेशन टावर, सर इनसे रिलेटेड भी क्रेडिट नहीं देंगे, नहीं देंगे। पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, सर ये क्या होता है? अगर कोई फैक्ट्री वाले ने अपने फैक्ट्री से पाइपलाइन बनवाई है जिससे वो बाहर अपने सर वेस्ट वगैरह को डिस्पोज करना चाहता है, तो वो पाइपलाइन की जो सर्विस, पाइपलाइन से रिलेटेड जो आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ली होगी उसकी क्रेडिट आपको नहीं देंगे। तो सर ये याद रखना है कि ये तीन चीजों से रिलेटेड आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज में क्रेडिट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स और अगला दिया हुआ सर पाइपलाइन जो आप फैक्ट्री के बाहर तक लेके जा रहे हो, ठीक है ध्यान रखना। उसी के बाद आगे देखो सर, अगर आप ये एनालिसिस पढ़ना चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, जो मैंने आपको समझाया यही चीज एनालिसिस में इजी लैंग्वेज में दी हुई है, आप उसको समझ सकते हो। जैसे मैंने आपको इजी तरीके से बताया वो सिंपल है, आप सिंपल ये याद रखना कि सर प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज हो तो क्रेडिट मिल जाएगी, इमोबाइल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो तो ना मिले, और वो जो तीन चीजें मेंशन की गई है लैंड, बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन या फिर पाइपलाइन, इसमें क्रेडिट नहीं मिलेगी। ठीक है चलो एक आध एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छी क्लियरिटी होगी। देखो देखो एग्जाम्पल्स देखो क्या दिया हुआ है। ITC on work contract services availed by the software company for construction of its office. Sir, civil structure है, क्या credit मिलेगी? ना, नहीं मिलेगी। XY and company a work contractor of Jaipur has been awarded a contract for the construction of commercial complex in Alwar. The firm avails services of PQ as a local work contract of Alwar for the construction of complex. Sir, 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 यहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्टिंग की बात है। सर सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या क्रेडिट मिल जाती है? यस सर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्रेडिट मिल जाती है। अगला देखो सर, ITC on work contract services availed by an automobile company for the construction of a foundation on which a machinery, foundation बना रहे सर मशीनरी के लिए, क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर मिल जाएगी। और देखो एक एग्जांपल, चलो भाई, ITC on work contract services availed by the manufacturing company for the construction of pipelines to be laid down its factory. सर देखो देखो देखो, work for pipelines है, क्या क्रेडिट मिलेगी? नहीं सर, ब्लॉक क्रेडिट है, पढ़ के तो आए। ठीक है, उसके बाद देखो सर अगला दिया हुआ है इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी। वाओ, अगर आपको इमोबाइल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना है तो गवर्नमेंट ने चुपचाप बोला इमोबाइल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस की भी क्रेडिट नहीं देते हम, इनपुट और इनपुट सर्विसेज जो आप खरीद रहे होगे, अवेल कर रहे होगे, उसकी भी क्रेडिट नहीं देंगे। मैं बोला इनपुट का एग्जाम्पल, तो सरकार बोली क्या पागल है, इनपुट में तेरा रेती गिट्टी ये सब जो तू लेता है ये इनपुट में आ जाएगा। इनपुट सर्विसेज मान ले अगर तू इमोबाइल प्रॉपर्टीज को बनाने के लिए कोई इनपुट सर्विसेज ले रहा है उसकी भी क्रेडिट नहीं देंगे हम तेरे को। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है ध्यान रखना, उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है देखो एक आया एग्जाम्पल, देखो अ कंपनी बाय सीमेंट टाइल्स एक्सेट्रा एंड अवेल द सर्विसेज ऑफ एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट इनपुट सर्विसेज, सर क्या क्रेडिट मिल जाएगी? नहीं सर, क्यों मिलेगी? मिलेगी ही नहीं, मिलेगी ही नहीं। समझ आ रहा है? यही तो दिया हुआ, देखो सर, गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हाउएवर क्रेडिट इज अलाउड इफ दे आर सप्लाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीन। अगर प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड रहा तो क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर,
प्लांट और मशीन से रिलेटेड रहा तो क्रेडिट मिल जाएगी। ध्यान रखना आप इस एग्जाम्पल्स को रीड कर सकते हो ताकि और अच्छी क्लैरिटी आए, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल के बेसिस में तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि सर कैसे। अब देखो एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल तो नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम होंगे, बट ये एग्जाम्पल आपका माइंड सेट करते हैं, माइंड डेवलप करते हैं कि सर किस टाइप से हम अपने दिमाग को फ्रेम करके रखें कि अगर इस टाइप से कुछ आया तो हम कैसे क्वेश्चन अटेंड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अगला देखो सर, इनपुट अंडर कंपोजिशन स्कीम, ओहो ये तो हम पहले भी पढ़ के आए। सर क्या कंपोजिशन स्कीम के केस में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं? नो सर, नहीं ले सकते। अब अगर आपसे कोई पूछा कि क्यों नहीं ले सकते तो बोलना यार सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो है ना वो ब्लॉक क्रेडिट है, वो अलाउ नहीं करता, इसीलिए हम कंपोजिशन स्कीम में क्रेडिट नहीं ले सकते। ठीक है, अगला देखो सर, इनपुट बाय नॉन रेसिडेंट। सर अगर नॉन रेसिडेंट, देखो सर, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। सर अगर नॉन रेसिडेंट है, उसने कोई गुड्स खरीदा होगा तो उसको जीएसटी लगा होगा। भाई एक बात बताओ, कोई इंडिया के बाहर से घूमने आया, ठीक है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, और इंडिया के बाहर से आया, उसने कोई इंडिया में गुड्स खरीदे, उस पर जीएसटी लगा, तो सरकार क्या उसको क्रेडिट दे देगी? सरकार बोली हम क्रेडिट नहीं दे रहे। मैं बोला अच्छा, अगर कोई गुड्स इंपोर्ट किया गया है उसके थ्रू, तो अगर उसने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, सरकार बोली अगर इंपोर्ट किया तो क्रेडिट दे देंगे, नहीं तो क्रेडिट नहीं देंगे। ठीक है, अगला देखो सर, पर्सनल कंजम्पशन। सर अगर ये पर्सनल है तो पर्सनल चीजों में क्यों क्रेडिट देंगे? सर आप समझो ना, क्रेडिट हम किन चीजों की देते हैं? जो बिजनेस पर्पस के लिए हो। अब जो बिजनेस पर्पस ही नहीं रहा, पर्सनल पर्पस हो गया, तो क्रेडिट किस बात की मिलेगी? सिंपल। अगला देखो सर, लॉस्ट स्टोलन गुड्स। सर अगर गुड्स आपके चोरी हो गए, ठीक है, खराब हो गए, लॉस्ट स्टोलन डिस्ट्रॉयड रिटर्न ऑफ डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्री सैंपल, क्रेडिट नहीं देने वाली सरकार। ध्यान रखना, तो ऐसा मत करना कि आप माल चोरी हो गया और सरकार को बोले कि क्रेडिट दे दो, सरकार बोली ना देंगे, नहीं देंगे, चोरी वोरी हो गया, नहीं देने वाले क्रेडिट। ध्यान रखना, एकदम सिंपल, समझ आया? एकदम सिंपल। अगला देखो सर, इवेजन एंड कॉन्फिस्केशन। ये क्या होता है सर? मान लो आप टैक्स की चोरी कर रहे थे, टैक्स की चोरी करते करते पकड़ा गए, ठीक है, या तो सर आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिए, मतलब जब्ती कर लिए, कौन? सरकार। अब आपके गुड्स को सरकार ने जब्ती किया और आप पीछे से चिल्ला रहे, ओहो गुड्स तो जब्ती कर दियो, क्रेडिट तो दे दो। सरकार बोली साले जब्ती किए हैं, तू नहीं बताया था कि तेरे पास ये गुड्स है, हम जब्ती किए हैं तो क्रेडिट भी नहीं देने वाले। आया समझ? वही दिया हुआ है, इवेशन एंड कॉन्फिस्केशन। सर बहुत सिंपल है, अभी आप मेरे साथ क्वेश्चन करो, देख लेना आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, एक एक क्वेश्चन आपसे आराम से बनेंगे। आप आराम से मेरे साथ बैठो और क्वेश्चन बनाओ, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो सर, X Limited a registered manufacturer engaged in taxable supply of goods procured from the following goods during the month of October. The same has been capitalized in the books of accounts of X Limited. Determine the amount of input tax credit available by giving necessary explanation for treatment of various items. देखो सर, electrical transformer used in the factory. सर transformers use कर रहे factory में, क्या credit मिल जाएगी? Yes sir मिल जाएगी। क्यों? Sir in the course of furtherance of business है, कॉमन सेंस की बात है। सर ट्रांसफार्मर क्यों चाहिए? इसका प्लांट बहुत बड़ा होगा, ये बड़े स्केल में काम कर रहा होगा, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए होगी, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो तो तुम ट्रांसफार्मर खुद सेटअप करो अपने प्लांट पे। तो सर उसने प्लांट पे ट्रांसफार्मर सेट किया, तो सर क्या ये ट्रांसफार्मर बिजनेस पर्पज के लिए यूज होगा? यस सर। तो क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर। अगला देखो सर, मोल्ड्स एंड डाइज यूज इन द फैक्ट्री। सर क्या मोल्ड्स और डाइज जो यूज होंगे, क्या उसकी भी क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर। अगला देखो सर, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। सर ऐसा कोई इक्विपमेंट है जो फैक्ट्री में अपन यूज करें जिससे पोल्यूशन कंट्रोल होता है? जैसे चिमनी में अपन फिल्टर लगा देते ताकि पॉल्यूट ना करे एनवायरमेंट को, एयर पोल्यूशन ना हो, तो सर क्या उसकी क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर, सरकार इसकी क्रेडिट झक मार के देगी। नहीं देगी ना तो मैं फिल्टर से सॉरी चिमनी से फिल्टर हटा दूंगा और फिर एनवायरमेंट पॉल्यूट होने दूंगा। ठीक है, अगला देखो सर, गुड्स परचेज, कैपिटल गुड्स परचेज ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट देयर ऑन। अपन कल ही सीख के आए सर कि अगर कोई कैपिटल गुड्स है उसमें आपने सर इनपुट जीएसटी के अमाउंट को भी मिलाया और पूरे अमाउंट पे अगर आपने डेप्रिसिएशन ले लिया तो सरकार बोलती है उस केस में फिर क्रेडिट नहीं देंगे, क्योंकि तू तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, क्रेडिट के अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो तेरे को हम क्रेडिट नहीं देने वाले, डबल बेनिफिट नहीं देंगे। सर कल के लेक्चर में सिखाया था। आगे देखो सर, कैपिटल गुड्स यूज एज अ पार्ट परचेज फ्रॉम सप्लायर हु हैज पेड 10,000 एज अंडर कंपोजिशन स्कीम। ओ माय गॉड, सर क्या कंपोजिशन स्कीम के केस में सर क्या क्रेडिट मिलती है? नो सर, मिलती नहीं है।
क्योंकि आप सामने वाले से कुछ ले ही नहीं रहे हो, आप तो खुद से पे करते हो, तो क्रेडिट की तो बात ही नहीं आती है। समझ आया? इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू कल्याण लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय हिम इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। देखो सर, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 7%, 7% है, क्रेडिट मिलेगी? नहीं सर, हम सीख क्या है, 13 से ऊपर में मिलती है। अगला देखो सर, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 14% इंक्लूडिंग ड्राइवर, क्या मिल जाएगी क्रेडिट? बिल्कुल मिल जाएगी। अगला देखो सर, मोटर लॉरीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सर गुड्स से रिलेटेड तो हमें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, अगर आप गुड्स के लिए मोटर लॉरीज वगैरह यूज कर रहे हो तो क्रेडिट तो वैसे ही देंगे। सर सरकार बेवकूफ नहीं है, क्रेडिट देगी? नहीं देगी ना, तो कल के दिन कॉस्टिंग बढ़ जाएगी गुड्स की और कहीं ना कहीं कंज्यूमर के ऊपर ही बर्डन होगा, तो क्रेडिट तो मिलेगी। अगला देखो सर, फूड एंड बेवरेजेस प्रोक्योर्ड फ्रॉम स्वीट कैटरर्स फॉर यूज इन डीलर मीट, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी के लिए फूड और बेवरेजेस यूज कर रहे हैं, सर क्या क्रेडिट मिलेगी? नहीं सर नहीं मिलेगी, रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ थोड़ी के, ये तो पार्टी के लिए यूज कर रहे हैं, कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाली। अगला देखो सर, सर्विसेज ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर लॉरीज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए रिपेयर और मेंटेनेंस वाली बातें हैं, सर क्या क्रेडिट मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। अगला देखो सर, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 7%, नहीं मिलेगी जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज में क्रेडिट, नहीं मिलेगी। अगला देखो सर, सर्विसेज ऑफ सर्विसिंग ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट, सर्विसिंग करवा रहे सर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड कैपेसिटी ऑफ 14%, क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर मिल जाएगी। देखो सर क्वेश्चन कितने सिंपल और इजी है, आराम से बनेंगे, आप मेरे साथ ध्यान देते जाओ, फटाफट पूरे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है अपन। देखो अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू पॉस्को लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स प्रोक्योर्ड बाय हिम इन द मंथ ऑफ फेब। इनपुट यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, सर इनपुट यूज किए फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले, क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस गवर्नमेंट बिल्कुल क्रेडिट देगी। फूड एंड बेवरेजेस प्रोक्योर्ड फ्रॉम द स्वीट कैटरर्स फॉर एम्प्लॉयज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, सर लीगल ऑब्लिगेशन है, क्या क्रेडिट मिल जाएगी? सरकार बोली बिल्कुल मिल जाएगी, स्टैट्यूटरी है। अगला देखो सर, गुड्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, सर आप गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर आप वो गुड्स को यूज कर रहे हो वारंटी टाइम पीरियड पे, सर क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस मिल जाएगी, लॉजिक है, सर वारंटी पीरियड में यूज कर रहे हैं तो पहले ही हम उस गुड्स की वैल्यू के सामने वाले से रिकवर कर चुके हैं। यस गवर्नमेंट बोली जब आप पहले उस वैल्यू पे टैक्स ले चुके हो, वारंटी के अमाउंट पे टैक्स ले चुके हो, तो ठीक है क्रेडिट भी ले लो। अगला देखो सर, गुड्स यूज फॉर सेटिंग अप टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, क्या इसकी क्रेडिट मिलेगी? नो, हम पढ़ के आए। अगला देखो सर, इनपुट स्टोलन फ्रॉम द फैक्ट्री स्टोर, इनपुट चोरी हो गए, क्या क्रेडिट मिलती है? नहीं सर हम सीख क्या है, क्रेडिट नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसेबल टू पीक्यूआर लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग गुड्स प्रोक्योर्ड बाय हिम बाय इट इन द मंथ ऑफ जनवरी। देखो सर, गुड्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, नहीं देंगे, इमोबाइल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है देंगे नहीं, सिविल स्ट्रक्चर बाहर है सर। पैकिंग मटेरियल यूज्ड इन अ फैक्ट्री, बिल्कुल ले जाओ क्रेडिट। गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल कैलमिटीज, नहीं देने वाले। गुड्स यूज फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस बिल्डिंग एंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपने डेबिट कर दिया है, तो सर ये एक्सपेंस आप बेसिकली सर बिजनेस पर्पज के लिए कर रहे हो। ध्यान से सुनो, अपन पीएल अकाउंट में क्या डालते हैं सर, वो चीजें डालते हैं जो बिजनेस पर्पज की होती है, पर्सनल तो डाल नहीं सकते। तो सर आपने रिपेयरिंग की है ऑफिस बिल्डिंग की एंड द कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने डेबिट किया है, मतलब सर ये कहीं ना कहीं बिजनेस पर्पस के लिए, कैपिटल नेचर का नहीं है। तो सरकार बोली क्या इसकी क्रेडिट मिल जाएगी? यस इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। इसको स्टार करके लिख लो कि ऐसा कोई भी एक्सपेंस, प्लीज ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो आपने पीएल अकाउंट में डाल दिया है, ध्यान से सुनो, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो आपने पीएल अकाउंट में क्लेम किया है, पीएल अकाउंट में आपको वो एक्सपेंस अलाउ हो गया है, तो सर वो माना जाएगा बिजनेस पर्पस, और अगर वो बिजनेस पर्पस है तो क्या उसकी क्रेडिट मिल जाएगी? यस मिल जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टार करके लिख के रख लो सर, बाद में बहुत गलतियां होंगी नहीं तो इसमें, ठीक है ध्यान रखना। अगला देखो सर, पेपर फॉर फोटोकॉपिंग मशीन यूज इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, सर अगर आप ऑफिस में फोटोकॉपी मशीन ला के रखे हो, सर मैंने ये बहुत अच्छे से बताया भी था, इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि सर आजकल क्या होता है, सीए लोग एक फोटोकॉपी मशीन अपने ऑफिस में ही रखते हैं और आर्टिकल वगैरह से प्रिंट आउट वगैरह निकला वगैरह के स्टेपल वगैरह करवाते हैं, तो सर ये जो फोटोकॉपी मशीन लेके आए
पेपर फॉर फोटोकॉपी मशीन यूज इन, पेपर लेके आए हैं सर, क्या इसकी क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर, ऑफिशियल पर्पस मिल जाएगी। गुड गिवन एज गिफ्ट सर, कभी क्रेडिट नहीं मिलती गिफ्ट वगैरह में। इनपुट यूज फॉर टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल चेक, क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर, टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो, ये बिजनेस का पार्ट है, टेस्ट रन कर रहे हो, टेस्ट ट्रायल प्रोडक्शन कर रहे हो, सर क्रेडिट मिल जाएगी क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप फोकस करो, ध्यान दो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये चैप्टर इजी हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्टूडेंट को यही चैप्टर में दिक्कत आती है, स्टूडेंट परेशान है इस चैप्टर से, पता नहीं क्यों। आप मेरे साथ ढंग से बैठ के आराम से पढ़ो, आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और कोई डाउट नहीं आएगा। अपन बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पहले तो ये कर रहे हैं, फिर इंस्टीट्यूट के मैट के भी बच्चे हैं। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसेबल टू पी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स प्रोक्योर्ड बाय देम इन द मंथ ऑफ मार्च 2021। देखो सर, गुड्स सप्लाइड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन इन अ फैक्ट्री। सर ये कैप्टिव कंजम्पशन क्या होता है, ध्यान से सुनो सर, ध्यान दो सर। जैसे मान लो अपन लेते हैं कॉटन, कॉटन से बनता है धागा और धागे से बनता है शर्ट। ध्यान से सुनना सर, कॉटन से बना धागा, धागे से बना शर्ट। अब अगर मान लो ये जो धागा बना, अगर इस धागे को मैं खुद रख लेता हूँ और इससे शर्ट बनाता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन मतलब खुद ही कंज्यूम कर लेना उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो सर क्या इसकी क्रेडिट मिल जाएगी? यस सर, इससे हम फाइनल गुड्स बना रहे हैं, ये हमारे बिजनेस का पार्ट है, तो क्रेडिट मिल जाएगी। दूसरा देखो सर, गुड्स परचेज फॉर बीइंग यूज्ड इन द रिपेयरिंग द फैक्ट्री शेड एंड द सेम हैज बीन कैपिटलाइज इन द बुक्स। सर कैपिटलाइज कर दिए हैं बुक्स में, क्या क्रेडिट मिलती है? नहीं सर, सिविल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्रेडिट नहीं मिलती है। यही अगर पीएल अकाउंट बोल देता तो क्रेडिट दे देते अपन, ध्यान रखना। सीमेंट यूज फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीन, बिल्कुल मिलेगी सर, प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड, तो क्रेडिट मिल जाती है। इनपुट यूज इन द ट्रायल रन, क्या क्रेडिट मिलेगी? यस सर, क्रेडिट मिल जाएगी। अगला देखो सर, फूड एंड बेवरेजेस परचेज फॉर द एम्प्लॉइज ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स नॉट अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। सर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगल नहीं है, आप जबरदस्ती के दे रहे हो, क्रेडिट मिलेगी? नो सर, इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो सर, टेंथ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सिंपल, एक दो क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद खत्म करेंगे। देखो, एन अलाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ ट्रेनिंग पायलट इन फ्लाइंग कमर्शियल एयरक्राफ्ट सो दैट द कैंडिडेट बिकम एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग एविएशन लाइसेंस। सर अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से रिलेटेड क्या क्रेडिट मिल जाती थी? यस सर, अपन पढ़ के आते हैं, वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है तो उसकी क्रेडिट मिलती है। ठीक है, ये वही दिया हुआ है। अगला 11th नंबर का क्वेश्चन देखो, कृष्णा मोटर्स इज अ कार डीलर सेलिंग कार्स फॉर एन इंटरनेशनल कार कंपनी हैविंग सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 7% एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज ऑफ द कार सोल्ड बाय इट एज ऑल्सो ऑफ अदर कार्स। ठीक है, इट सीक्स योर एडवाइस ऑन द एबिलिटी ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस ऑपरेशन। देखो सर, कार परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कार। ओ भाई, अपन पढ़ के आए थे सर, अगर मोटर व्हीकल फर्दर सप्लाई के लिए तो क्या क्रेडिट मिल जाती है? यस मिल जाती है, अगर फर्दर सप्लाई है तो क्रेडिट मिल जाएगी। टू ऑफ सच कार आर डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। ओ भाई, दो कार डिस्ट्रॉय हो गए, तो सर अगर कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे तो क्या उसकी क्रेडिट मिलती है? नो, नहीं मिलती। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल फॉर द कंस्ट्रक्टिंग अ कार वॉशिंग शेड इन इट्स प्रीमाइसेस। सर कार वॉशिंग शेड बना रहा है प्रीमाइसेस में, तो क्या इसकी क्रेडिट मिल जाएगी? इसकी क्यों मिलेगी भाई, ये तो सिविल स्ट्रक्चर है, इसकी क्यों मिलेगी? ये कोई प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड तो नहीं है। अगर ये प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड होता तो हम इसकी क्रेडिट दे देते, ये प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड है ही नहीं तो इसकी क्रेडिट मिलेगी भी नहीं। आया समझ? वेरी सिंपल, आप चाहो तो देख सकते हो सर, इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड होता तो क्रेडिट मिल जाती। समझ आया? कल अब अपन 12th क्वेश्चन और उसके आगे क्वेश्चंस और आगे की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपन क्लासेस को यहीं पर रोक देते हैं। ठीक।